मित्रों, कांग्रेस की गलत नीतियों, खासतौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर की समस्या आज तक हमारे सामने बनी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही गलत नीतियां थी कि आज हमारे देश में हमारे ही देश के लोग रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से एक षड्यंत्र के तहत निकाला गया और लगभग 3 दशक हो रहे हैं, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था अब तक की किसी सरकार ने नहीं की। ये नेहरू जी की गलत नीतियां थी कि आज जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे, जो शरणार्थी आए थे जम्मू कश्मीर में, आज तक उनको वहाँ कोई अधिकार नहीं दिया गया। ज़मीन का अधिकार उनके पास नहीं है, नौकरी का अधिकार उनके पास नहीं है, सरकारी नौकरियों का अधिकार उनके पास नहीं है। और आज एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक गठबंधन की सरकार वहाँ बनी। दोनों राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वहाँ सरकार का गठन किया गया और सरकार की प्राथमिकता थी कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की जाए। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब तक विकास से अछूता रहा, वहाँ के नौजवान को रोजगार कैसे दिया जाए, जम्मू कश्मीर की तरक्की कैसे की जाए, वहाँ पानी, बिजली, सड़क कैसे अच्छी बनाई जाए, वहाँ के नौजवान को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए। लेकिन बड़ा दुख होता है मित्रों कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं, आज वही पॉलिटिकल पार्टियाँ अभी बहुत अल्प आयु की सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मित्रों, हमारी सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर से विस्थापित जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनकी सकुशल वापसी, और जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हैं उनको वहाँ सभी अधिकार मुहैया कराना, जम्मू कश्मीर में शांति बहाली, जम्मू कश्मीर की उन्नति, वहाँ का विकास, वहाँ के नौजवान को रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसमें कुछ लोग अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मसरत आलम जैसे लोग, जो अलगाववादी धड़ा है वहाँ, जिसको जम्मू कश्मीर के आवाम ने बिल्कुल नकारा। चुनाव में इन लोगों ने वहाँ फतवा जारी किया कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, लेकिन कश्मीर के आवाम ने इन आतंकवादियों और अलगाववादियों की अपील को खारिज किया और वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई और वहाँ एक चुनी हुई सरकार है। मसरत आलम जैसे लोग, कुछ अलगाववादी लोग, जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ कश्मीर में बसाने का जो प्रोसेस सरकार ने शुरू किया है, और जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हैं उनको वहाँ अधिकार देने का जो प्रोसेस शुरू किया है, इन अलगाववादियों से वो हजम नहीं हो रहा है। और इसीलिए भारत विरोधी नारे, पाकिस्तान के समर्थन में नारे, लेकिन इस तरह की किसी भी कार्रवाई को, भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को कोई भी चाहे करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और मसरत आलम जैसे लोगों को आज सलाखों के पीछे भेजा गया। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया के मित्र लगातार अगर कहीं कुछ गलतियां हो रही होती हैं तो उन गलतियों को पब्लिक के सामने लेकर आते हैं, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो सबके सामने है। कोई भी अगर घटना घटित होती है उसके बाद की जो कार्रवाई है उसके बाद राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। मसरत आलम जब ये नारे लग रहे थे भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में, जब वहाँ झंडा लहराया जा रहा था पाकिस्तान का और भारत के खिलाफ नारे लग रहे थे, तभी मसरत जैसे लोगों का जेल के पीछे सलाखों के पीछे जाना तय हो गया था, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ मीडिया के मित्रों को कि एक बड़ी समस्या है, 60 साल से उस समस्या का हम कहीं ना कहीं हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं और अब समय है उस समस्या का समाधान के लिए। आज पूरा देश एकजुट है, मीडिया के मित्र भी सब एक साथ हैं, लेकिन कुछ लोग पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
मैं निवेदन करना चाहूँगा और विनती करना चाहूँगा कि देश कानून से चलता है और जम्मू कश्मीर जैसा सेंसिटिव स्टेट, अगर वहाँ कोई गतिविधि हो रही है भारत के खिलाफ, अगर कोई वहाँ गतिविधि हो रही है तो देश का कोई भी नागरिक इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून बहुत मजबूत है, कानून अपना कार्रवाई करेगा। और जिन लोगों ने भारत के खिलाफ वहाँ नारे लगाए, पाकिस्तान का झंडा फहराया, आज वो कानून के दायरे में, आज सलाखों के पीछे हैं। देखिए, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी, दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी था उसामा बिन लादेन, उसको दिग्विजय जी उसामा जी कहते हैं। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं, और अब दिग्विजय सिंह मसरत आलम जैसे आतंकवादी को मसरत साहब कहते हैं। और ये वही कांग्रेस का साहब है जो 4.5 साल तक जेल में रहा, 27 FIR इस कांग्रेस के साहब के खिलाफ दर्ज हुई, लेकिन कांग्रेस अपने साहब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस अपने साहब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती तो ये कांग्रेस का साहब बाहर नहीं आता, सलाखों के पीछे रहता और आज सजा भुगत रहा होता। तो कांग्रेस के जो साहब हैं, और लगातार जो कांग्रेस के साहब हैं ज़्यादातर सीमा के उस पार रहते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त रहते हैं, आज समय है कि कांग्रेस अपना आत्मचिंतन करे और इन साहबों के समर्थन में कसीदे गढ़ना बंद करे और देश की एकता, अखंडता और देश के विकास में एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद।